क्षेत्रीय सांसद और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह पटेल अपने अल्प प्रवास के दौरान सेगांव विकास खंड के ग्राम केली पहुंचे, जहां अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने ग्राम केली की जनता को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार द्वारा निरंतर जनता के हित में फैसले लेते हुए सबका साथ सबका विकास और विकास के साथ में सबका विश्वास और इस विश्वास में सबका प्रयास के साथ में हर एक व्यक्ति को छत्र है, इसको लेकर हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए। ग्राम के सरपंच से लेकर पंच और जनपद अध्यक्ष से लेकर सदस्यों का ग्राम के विकास में अहम भूमिका रहती है। साथ ही मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल द्वारा सांसद के समक्ष आवेदन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेगांव में एम्बुलेंस, ग्राम केली में सात मात्रा मंदिर से मानकर पूरा कदवाली उपड़ी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत रोड रसगांव व दसनावल को अलग विद्युत सप्लाई के लिए फीडर सहित ग्राम केली में दो ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर सांसद को अवगत कराया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष के साथ में पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं और अश्विन ठाकुर के निवास पर इस गांव केली के सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं केली कई बार आया हूं और केली के सभी लोगों से कहेंगे मेरा मिलना हुआ है, क्योंकि केली गांव मेरे से अछूता नहीं है। मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तब भी केली आया था, विधानसभा के चुनाव के पहले भी आया था और विधानसभा चुनाव के बाद में भी आया था। और चुनाव तो एक प्रक्रिया है, इसमें चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और चुनाव हारना ये एक सिस्टम है, परंतु चुनाव जीतने के बाद में सरकार के रूप में काम करना और काम को अपने क्षेत्र में परिणित करना, ये जरूर हुआ कि हम भगवान पर उस समय हार गए और आज विधायक किसी और दल का हो सकता है, निर्दलीय हो सकता है, परंतु हम मतभेद की राजनीति नहीं करते। यहाँ पर केली के सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और इसलिए देश का प्रधानमंत्री मोदी जी चाहता है कि सबका साथ और सबका विकास और सबके विकास के साथ में सबका विश्वास और इस विश्वास में सबका प्रयास और इस विश्वास के प्रयास में एक एक व्यक्ति छत के आधार पर रहे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज ये विषय कहने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केली एक बहुत बड़ा अपना कस्बा भी बन रहा है, केली के आसपास हमारे गांव भी हैं और केली से इसका पॉलिटिकल इफेक्ट भी गिरता है और दिल पर हाथ रख के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय करना चाहिए कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी गरीबों को जो बिना छत के रहते थे, जो जिनके पास ज़मीन का अधिकार नहीं होता था, जो रोते और बिलखते थे, जो अपनी मजदूरी कर कर सिर्फ इधर उधर रहते थे बिना छत के मकान पर देश की आज़ादी के बाद में अगर कोई सरकार ने इनकी चिंता करी तो हमको गर्व होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हजारों लोगों को ये निवास का स्थान दिया है। और इसलिए केली में भी कुछ संख्या में बने होंगे, केली के लोग बताएंगे इसमें केली में प्रधानमंत्री आवास बना कि नहीं बना। पहले इस बारे में किसने चिंता करी क्या? जहाँ पर पहले कांग्रेस 20,000 रुपए की इंदिरा गांधी कुटीर आवास चलाती थी, 10,000 रुपए फाइनेंस कराते थे जिसमें से बैंक का मैनेजर उसमें से 5,000 रिश्वत ले लेता था, 10,000 में से 5,000 अनुदान आता था, उसमें से पैसे देना पड़ते थे और इसलिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं, और इसलिए मैं सिर्फ संक्षिप्त में बात यह कहूंगा कि केली के लोगों ने तय करना चाहिए कि हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।